नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रेलवे की कुछ ऐसी अपडेट लेकर आया हूं जिसे दोस्तों आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों रेलवे ने कुछ कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया था। दोस्तों रेलवे ने कुछ ट्रेनों के रूट को परमानेंटली बदल दिया है, जिसे दोस्तों क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इससे पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। दोस्तों हमारी पहली अपडेट है, दोस्तों भारतीय रेलवे ने उदयपुर सिटी दिल्ली उदयपुर सिटी राजस्थान हम सफर एक्सप्रेस का रूट में परिवर्तन कर दिया है। दोस्तों इस ट्रेन के रूट में परिवर्तन 30 अप्रैल से किया जाएगा। दोस्तों पहले यह ट्रेन उदयपुर से वाया भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी के रास्ते दिल्ली सरायवाला तक चलती थी, परंतु दोस्तों अब इस ट्रेन को परमानेंटली 30 अप्रैल से उदयपुर सिटी से दिल्ली सरायवाला के बीच वाया भीलवाड़ा, अजमेर, फुलेरा, रिंगस, नारनौल, रेवाड़ी के रास्ते किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अब यह ट्रेन जयपुर अलवर के रास्ते न होकर डायरेक्ट रिंगस नारनौल के रास्ते चलाई जाएगी, जिसे दोस्तों खाटू श्याम जी आने वाले लोगों तथा सिक्कर, नीम का थाना, रिंगस तथा अन्य लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली अपडेट है, दोस्तों रेलवे ने हाल ही में 15 अप्रैल से श्री गंगानगर जंक्शन से बठिंडा जंक्शन के बीच एक पैसेंजर ट्रेन का संचालन किया है, जो कि दोस्तों एक एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में चलाई जाएगी। दोस्तों यह ट्रेन वाया अबोहर के रास्ते स्थायी रूप से चलाई जाएगी, जिसे दोस्तों क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसके बाद दोस्तों रेलवे के द्वारा खबर यह भी आ रही है कि कोटा से दिल्ली के बीच एक और नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया जा रहा है तथा दोस्तों यह ट्रेन जल्द ही चलाई जा सकती है। तथा दोस्तों यह राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन होने वाली है तथा दोस्तों इस ट्रेन को उदयपुर सिटी तक भी बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने रिंग से खाटू श्याम जी के बीच नई रेल लाइन बिछाने का निर्णय लिया है। दोस्तों जल्द ही सर्वे करके नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिससे दोस्तों खाटू श्याम जी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी जानकारी। दोस्तों अगर आपको इन जानकारी में एक भी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दोस्तों सभी लोगों को फायदा मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।